नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू एग्जाम पर। आंगनवाड़ी भर्ती 2019 आ चुकी है। मोदी जी के चुनाव जीतते ही आंगनवाड़ी भर्ती की शुरुआत हो चुकी है। पद है इसके 51,500 पद, यानी कि पद बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको डिटेल से इस भर्ती के बारे में बताऊंगा, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो भी बताऊंगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि आंगनवाड़ी सहायिका 8वीं पास, आंगनवाड़ी सहायिका है जो 8वीं पास है, आंगनवाड़ी वर्कर है जो 10वीं पास है, और आंगनवाड़ी जो टीचर है वो है 12वीं पास। तो आपकी योग्यता ये है। और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर अगर बनना चाहते हैं तो आपकी योग्यता स्नातक, यानी आपकी बीए करी हुई होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं दोस्तों। चलिए विज्ञप्ति पर चलते हैं इसकी। तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2019-20 51,500 यहाँ पर पद है, आंगनवाड़ी वर्कर सुपरवाइजर और हेल्पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नीचे देखते हैं पूरी की जानकारी कि ऑनलाइन आवेदन है या ऑफलाइन। तो इसके नीचे दिया हुआ है कि टोटल वैकेंसी है 51,500, अप्लाई मोड है ऑनलाइन, ऑफिशियल वेबसाइट। अब सभी सही बात आती है कि ऑफिशियल वेबसाइट पूछोगे आप, तो मैं बता देता हूँ www.aanganwadi.org, ये वेबसाइट लगा लेना या यहाँ से दोबारा वीडियो पॉज करके देख लेना। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आंगनवाड़ी की प्रत्येक रिक्वायरमेंट आती है और यहीं पर आवेदन होता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके नीचे देख लीजिए, 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया अलग अलग पोस्ट पर। ठीक है, एज लिमिट अगर आप 18 से 45 ईयर्स के बीच है तब भी भर सकते हैं, अगर 45 से ऊपर है तो नहीं भर सकते हैं, 18 से कम है तो नहीं भर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इसकी पूरी प्रोसेस। और नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे यहाँ पर कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन मेरिट बेसिक, यहाँ मेरिट बेस के आधार पर सिलेक्शन होगा, जो मेरिट होगी उसके बेस पर सिलेक्शन होगा यहाँ पर। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कर देना जरूर चैनल को, ताकि आपको सारी भर्तियाँ, छोटी बड़ी भारत की सभी भर्तियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।